नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है विद्युत विभाग से, यानी कि बिजली के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर टोटल 1197 पोस्ट हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का कुछ क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक विजेता हैं लीला रो, कर्णम मल्लेश्वरी, गीता सेठी या फिर साइना नेहवाल? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, यानी कि RVUNL। एम्प्लॉयमेंट टाइप है राजस्थान गवर्नमेंट जॉब्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर बम्पर है, यहाँ पर टोटल 1197 पोस्ट हैं और जॉब लोकेशन है राजस्थान। यहाँ पर पोस्ट के नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, जूनियर केमिस्ट और इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के पद हैं। और इसके लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन की डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सेकेंड पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट्स इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी और इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स। जूनियर केमिस्ट के पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट्स इन केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स। वहीं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट्स। अगर एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 21 से 40 साल के उम्मीदवार। वहीं पे स्केल आपको मिलता है यहाँ पर काफ़ी अच्छा, यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पे स्केल मिलता है 39,300, जूनियर इंजीनियर वन के लिए मिलता है 33,800, वहीं जूनियर केमिस्ट के लिए मिलता है 33,800, इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के लिए पे स्केल मिलता है 26,300 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पर पे स्केल काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड है रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू पर। और अगर अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट्स को देना होगा 850 रुपये का अप्लीकेशन फीस, वहीं BC, MBC, SC, ST, PH कैंडिडेट्स को देना होगा 550 रुपये का अप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली इस पेज पर आना है जो कि आप देख रहे हो अपने डिवाइस के स्क्रीन पे। इसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली इस पेज पर आ जाएं, सारे डिटेल्स को पढ़ें, उसके बाद अप्लाई कर दें। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई है 14 जून 2018, वहीं लास्ट डेट टू अप्लाई है 2 जुलाई 2018। स्क्रीन पे आपको 3 लिंक शो कर रहा है। पहला 2 लिंक है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जिसे कि आपको डाउनलोड करके पढ़ लेना है, उसके बाद ही 3rd लिंक का यूज़ करके अप्लाई करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ में आ गई हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ही जाएं। अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सरकारी नौकरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।